प्रथम तहलका न्यूज। चंडीगढ़ में हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि एसीटी को पावर देने के लिए मैंने गृह सचिव को लिखा है, जिसके बाद जांच की गहराई में जाने के लिए कुछ और अधिकार दिए जाएंगे। सीआरपीसी के सेक्शन 32 की शक्तियां देने के लिए भी लिखा गया है। साथ ही अनिल विज ने कहा कि मैंने सीएम को पत्र भी लिखा है और उनसे बातचीत भी की है। उन्होंने कहा कि फिलहाल हरियाणा से दूसरे राज्यों में बसें ना भेजी जाए और सीएम ने इसे मान लिया है। फिलहाल हरियाणा रोडवेज की बसें इंटरस्टेट नहीं जाएगी। विज ने कहा कि इंटरस्टेट बसें भेजने के लिए स्वास्थ्य विभाग को तैयारी करनी पड़ती है, जो कि अभी नहीं है। इसमें सारे राइट मिल जाते हैं जो इंक्वायरी को फर्दर और डेप्थ तक जाने के लिए जो जरूरत होती है। ये तो अभी कमेटी रिपोर्ट देगी, अपने रिपोर्ट देगी सरकार को, तो उसके बाद जो है सरकार क्या एक्शन लेना है वो सरकार करेगी। नहीं, मैंने कल पत्र भी लिखा था और मैंने आज मुख्यमंत्री जी से बात भी की है। अभी ये निर्णय हुआ है कि इंटरस्टेट बसें अभी नहीं चलाई जाएंगी, क्योंकि उसके लिए बहुत व्यापक स्वास्थ्य विभाग को प्रबंध करने पड़ेंगे और उसके लिए उसका एसओपी बनानी पड़ेगी। अभी वो नहीं बनी है कोई, और अभी जो है इंटरस्टेट बसें नहीं चलाई जाएंगी। अनिल विज ने कहा कि एक युवक कोरोना पीड़ित गुरुग्राम में एडमिट हुआ और दूसरे ही दिन उसकी मौत हो गई। विज ने कहा कि इससे हमें आघात लगा है, लेकिन उसको 5-6 दिनों से बुखार था। एक नौजवान को कल ही एडमिट हुआ और वो डायबिटीज भी था और उसको 4-5 दिन से बुखार भी था, तो और हारून उसका नाम था। उसकी दूसरे दिन ही उसका टेस्ट हुआ, कोविड हुआ और साथ ही उसकी डेथ हो गई। तो बिल्कुल इससे हमें भी आघात लगा है, और अगर समय पर वो अस्पताल आ जाता तो यकीनी तौर पर हम बचा भी सकते थे। बाकी इतने सारे हमारा रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, लेकिन ये बिल्कुल लास्ट स्टेज पर। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि अमेरिका से हरियाणा के 76 लोगों को डिपोर्ट कर वापस भेजा गया है। ये लोग कानूनी तौर पर गलत तरीके से अमेरिका में रह रहे थे, जिनको डिपोर्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल इन 76 लोगों को पंचकुला में रोका गया है, इनके टेस्ट किए जा रहे हैं और साथ ही मामले में एक वरिष्ठ अधिकारी को लगाने जा रहे हैं। ये अधिकारी पता लगाएंगे कि इनको किसी इमिग्रेशन ने गलत तरीके से तो नहीं भेजा। जो वहाँ पर इलीगल तरीके से रह रहे हों, जहाँ उस देश के कानूनों के मुताबिक ना रह रहे हों, तो उन्हीं को ही डिपोर्ट किया जाता है। तो उनको डिपोर्ट किया गया है, उनको यहाँ पंचकुला में ठहराया गया है। यहाँ पर उनके सबके टेस्ट हो रहे हैं और इसी दौरान हम अपनी ये कार्रवाई भी करना चाहते हैं। बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी को इसके लिए लगाने जा रहे हैं कि वो ये जो 76 लोग हरियाणा में आए हैं वो इन सारों से बातचीत करके पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इनको अवैध तरीके से तो नहीं भेजा गया, किस कारण से ये वहाँ की जेलों में थे, क्या कारण था। कोई उसमें कबूतरबाजी का तो कोई केस नहीं था, कोई ऐसे लोग ऐसी एजेंसियां तो ऑपरेट नहीं कर रही हैं कि जिसका ये शिकार हुए थे, ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके और अन्य लोगों को बचाया जा सके। गृह मंत्री अनिल विज ने प्रवासी मजदूरों के लिए दूसरे राज्यों की अनुमति पर कहा कि पहले दूसरे राज्यों से एनओसी लेना जरूरी था, लेकिन केंद्र के नए नियमों के मुताबिक यह जरूरी नहीं है, इसलिए प्रवासी मजदूर धैर्य रखें और जल्द से जल्द उनको उनके राज्यों में भेजा जाएगा। अनिल विज ने गुरुग्राम में पुलिस के ऊपर हुए पथराव पर भी सख्त आदेश देते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और साथ ही गुरुग्राम कमिश्नर को सख्त कार्रवाई करने के आदेश भी दिए गए हैं। ये अब कंडीशन हटा दी गई है, अब रिसीविंग स्टेट के लिए एनओसी की कोई ज़रूरत नहीं है, और इससे अब हमें ये लगता है कि अब बड़ी तेज़ी से प्रवासियों को भेजा जा सकेगा। हम रेलवे मंत्रालय से कांटेक्ट कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं कि हमें अधिक से अधिक गाड़ियाँ मुहैया कराई जाएँ। पहले ये शर्त थी रेलवे की कि अगर रिसीविंग प्रदेश एनओसी देगा हम तभी आपको रेलगाड़ियां देंगे,
लेकिन अब क्योंकि वो कंडीशन हट गई है तो अधिक से अधिक रेलवे गाड़ियाँ हमें मुहैया कराई जाएँ और हम बहुत जल्दी सारे जो भी प्रवासी हैं उनको भेजेंगे। प्रवासियों से भी मेरा ये कहना है कि वो जहाँ इतने दिन उन्होंने इंतज़ार करा है कुछ दिन और वो जहाँ भी रुके हुए हैं वहीं पर रुके रहें, हम बहुत शीघ्र सबको उनके जो गंतव्य स्थान है वहाँ तक पहुँचाने का कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश की रक्षा करने के लिए अपनी ड्यूटी दे रही है। हमारे आसपास के प्रदेश बुरी तरह से संक्रमित हैं, वहाँ से लोग ना आएं उनको रोकने की कोशिश कर रही है। अगर कुछ लोग उन पर पत्थरबाजी करने की कोशिश करेंगे तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। माननीय उच्च न्यायालय ने, दिल्ली के उच्च न्यायालय ने इस मामले में जो हमें दिशा निर्देश दिए उसमें भी कुछ कैटेगरीज को उन्होंने अलाउ किया है, जैसे डॉक्टर हो गए, जहाँ उनकी म्यूनिसपैलिटी में काम करने वाले लोग हो गए ऐसे, और MHA ने भी जो लॉकडाउन 4 की गाइडलाइन जारी की है उसमें भी कुछ कैटेगरी को कहा। आम लोगों के आने जाने के लिए किसी ने नहीं कहा, कहीं पर उसकी इजाज़त नहीं है। और अगर कोई ऐसा हमारी पुलिस के ऊपर जो इतनी दृढ़ता के साथ अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं, अगर कोई इस प्रकार से पथराव करेगा तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज अपने विभागों में काफी सक्रिय नजर आते हैं और हमेशा ही विभागों के साथ राज्य में काम करते और उनके लिए काम में जरूरी बातों का ख्याल रखते हुए भी नजर आते हैं। दरअसल विभाग को पूरी तरह से ढील और सख्ती के साथ काम करने की छूट देते हैं। प्रथम तहलका के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।